इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैं नम्रता जी आपको रोकना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो अलायंस है उसे 33 सीटें महा एग्जिट पोल में इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और इसके अलावा न्यूज 18 का ये महा एग्जिट पोल जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 33 सीटें मिलती दिख रही है, बीजेपी को 29 यानी 29 सीटें और पीडीपी को 6 सीटें मिलती इस महा एग्जिट पोल में मिलती हुई दिख रही है, और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी माफ कीजिएगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उसके खाते में सबसे ज्यादा 33 सीटें जाती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में इस महा एग्जिट पोल में 29 सीटें जाती हुई दिख रही है, पीडीपी को 6 सीटें एक तरह से जाती हुई दिख रही है। ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें कि न्यूज 18 इंडिया का जो महापोल है एग्जिट पोल उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, पीडीपी को 6 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल भी हमें ऐसे करने चाहिए मुझे लगता है सिंह साहब की, कम से कम जब रिजल्ट्स आए तो हम कुछ मैच तो करें। आप जब 33 दिखा रहे हैं इतनी, तो मुझे लगता है 33 से 35 तो अकेली एनसी लेने वाली है, उसके साथ कांग्रेस की आप लगा लीजिए 15 सीट तो विल क्रॉस द मार्जिन ऑफ 50। देखिए जो एग्जिट पोल होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आप देखते हैं, जो भी आपकी जो आपने वहां से पाया होगा, जो आपने अपनी टीम्स लगाई होंगी, जो उन्होंने आपको देखिए बड़ी मेहनत लगती है इस एग्जिट पोल को करने में। ये एग्जिट पोल ऐसे एक पूरा साइंटिफिक तरीके से लोगों से बात की जाती है, वोटर से बात की जाती है और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। लेकिन होरेरा मैं इस चीज को आपने जिस तरह से आप कह रहे थे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार बनाने की कुंजी है, सरकार बनाने की चाबी है जम्मू कश्मीर में, वो अदर्स यानी जो छोटी पार्टीज हैं उनके हाथ में है। देखिए अभी जो 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा देखेंगे कि एग्जिट पोल उसके कितने करीब है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगी कि जो मेजॉरिटी है उसके करीब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। और डे वन से हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं उन सबका जो फोकस था वो ये था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो उभरें, और जो छोटी पार्टीज होंगी जो जो 1, 2, 4 सीटें लेकर आएंगी उनसे सपोर्ट लें और सरकार बनाएं। जिस तरह का न्यूज 18 इंडिया का महापोल सामने आया है वो साफ दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो 33 के करीब सीटें लेगा। बीजेपी के पास अपने खाते में ये देख लीजिए फर्क ये है, जब हम 33 सीटों की बात कर रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें हैं वो बिल्कुल, वो 33 सीटें हैं और बीजेपी का जो अभी तक का आंकड़ा है 29 सीटें बीजेपी के पास है। ये एग्जिट पोल है जी। आप बाइफरकेट करके बताएंगे जरा, आप एनसी को कितनी दे रहे हैं और कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं। नम्रता जी अभी जो है हम आपको अलायंस की सीटें बता रहे हैं, आगे हम आपको प्रॉपरली बता देंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अगर हम सीट बाय सीट भी इस पे आपको पूरा खुलासा करें तो हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि 15 सीट तो कांग्रेस कहीं नहीं छोड़ेगी, और एनसी भी जो हमारा अपना अंदरूनी सर्वे है, क्योंकि हम भी साइंटिफिक तरीके से जो आपकी स्ट्रेटेजीज हैं हम भी बूथ लेवल से जो गैदर किया है डाटा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 35 तक तो एटलीस्ट एनसी इज गोइंग टू गेट एंड 15 सीट्स कांग्रेस लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नम्रता जी हर एक को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक सर्वे कराती है, लेकिन हम इस वक्त आपसे उस सर्वे की बात कर रहे हैं, उस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं जो न्यूज 18 इंडिया के महापोल ने किया हुआ है। हम रजनी जी को अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी ने भी अपना सर्वे किया हुआ है और वो